हेलो एवरीवन, आप डॉक्टर मोहल बैंकर एंड दिस केस वी हैव डन टुगेदर विथ माय पार्टनर डॉक्टर रोजिल गादी। एंड इस प्रेजेंटेशन में आप देखेंगे कि जेनिकुलर आर्टरी एम्बोलाइजेशन क्यों डिफिकल्ट है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की तुलना में। तो हम ओवरऑल देखेंगे तो लाइफ में कोई चीज़ हमको डिस्ट्रॉय करनी हो तो इट्स वेरी इजी। कोई चीज़ काटना हो, मान लो कि कोई पौधा है उसका कुछ पोर्शन को कट करना, कुछ निकालना है, इट्स वेरी वेरी ईजी टू रिमूव दैट पोर्शन ऑफ दैट ट्री। बट अगर उसी ट्री के उसी पोर्शन को अगर हमको जिंदा रखना है, जीवित रखना है, तो उसको हमको ज़्यादातर हम कितना पानी देते हैं, कितना खातर देते हैं, और तभी वो जीवंत रहता है। इसी तरह से जब हमको नी जॉइंट्स को जब हमको बचाना है, अपना जो नेचुरल नी जॉइंट प्रिजर्व करना है, उसके लिए हमको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी भी है उसमें क्या है कि वो नी जॉइंट काट के निकाल देते हैं और आर्टिफिशियल लगा देते हैं, तो इट इज़ मोर इजी देन प्रिजर्विंग द नी जॉइंट। आई एम गोइंग टू शो यू हाउ दिस जेनिकुलर आर्टरी एम्बोलाइजेशन इज मोर डिफिकल्ट। तो हम ये जो एंजियोग्राफी की बात करते हैं, जब सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये नी जॉइंट की एंजियोग्राफी करते हैं, ये पेशेंट का ये नी जॉइंट का एक्सरे आप देख रहे हैं इधर, उसी की ये एंजियोग्राफी है। और एंजियोग्राफी में देर आर ढेर सारी वेसल्स हैं जो नी जॉइंट के सराउंडिंग में हमें देखने को मिल रही है। दीज आर मेन वेसल्स, उसमें से ये निकली, यहाँ पे निकली, और देर आर लॉट्स ऑफ वेसल्स, मोर देन 20-25 वेसल्स अवेलेबल इन दिस एंजियोग्राफी। बट उसमें से 6 जेनिकुलर आर्टरी ऐसी होती है जिसको हमको पर्टिकुलरली नी जॉइंट को सप्लाई करती है, उसको हमको चेक करना पड़ता है। सो दिस वन, लेट मी गिव द एग्जाम्पल ऑफ दिस जेनिकुलर आर्टरी, इट्स कॉल्ड डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी, ऊपर से नीचे आती है, इसलिए उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी कहा जाता है। अब जब डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी की हम बात करते हैं, तो ये जो हमने सबसे पहले बहुत सारी जेनिकुलर आर्टरी देखी थी सराउंडिंग द नी जॉइंट, उसमें से ये जो छोटा सा कैथेटर जिसको माइक्रो कैथेटर कहते हैं, बहुत ही छोटा होता है, उससे हमने कैन्युलेट किया। तो अभी कैन्युलेट करने के बाद भी देखेंगे तो इसके ज़रा 3 ब्रांचेस पड़ते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 3 ब्रांचेस पड़ते हैं और उसको हम देखेंगे, तो ये जो अंदर की जो ब्रांच है, ये पहले 2 ब्रांच हुई, 1 और 2, उसमें से फिर आगे बढ़ी, तो उसमें से दूसरी 2 ब्रांच हुई, तो 1, 2, 3, देर आर 3 ब्रांचेस। और ये 3 ब्रांचेस का हम वैसे चेक करेंगे तो अभी इसका कुछ ज़्यादा वास्कुलर ब्लश देखने को नहीं मिल रहा है हमको यहाँ पे। ये हमने शुरुआत में यहाँ से कैन्युलेट करके देखा हुआ है। फिर हम ये जो कैथेटर में से एक छोटा सा दूसरा माइक्रो कैथेटर लेके अंदर गए, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि देर आर स्मॉल अनदर माइक्रो कैथेटर फ्रॉम द मेन कैथेटर, और फिर अंदर जाके हमने फिर से चेक किया, तो थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट जब ज़्यादा इसके अंदर गया तो यहाँ पे हमको थोड़ा ब्लैकनेस देखने को मिल रहा है। दिस इज अ मीडियल कॉन्डाइल ऑफ द फीमर जॉइंट, कि नी जॉइंट का अंदरूनी का हिस्सा है, वहाँ पे हमको ये ब्लैक कलर का जो दिख रहा है वो हमको देखने को मिला। सो दिस इज अ साइट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, हमको जो कल्प्रिट साइट है वो हमको थोड़ी सी उसकी झलक देखने को मिली है। अभी हम उसको सिलेक्टिवली अंदर ज़्यादा जाते हैं। ये हमने एम्बोलाइजेशन शुरू किया, तो जब एम्बुलाइजेशन भी शुरू करते हैं तो आप देखेंगे तो ये छोटा सा माइक्रो कैथेटर हमने अंदर एडवांस किया, और एडवांस करने के बाद जहाँ पे जो कल्प्रिट साइट थी वो कल्प्रिट साइट पे हमने ये एम्बुलाइजेशन करना शुरू किया। सो दिस हाउ वी डू दिस जेनिकुलर आर्टरी एम्बुलाइजेशन प्रोसीजर। छोटी छोटी जो माइक्रो कैथेटर, उसकी स्किल चाहिए, उसको कैन्युलेट करना पड़ता है। अल्टीमेटली वी वॉन्ट टू प्रिजर्व द नी जॉइंट, डिस्ट्रक्शन इज़ वेरी इजी, क्योंकि डिस्ट्रक्शन पे क्या करते हैं कि ये नी जॉइंट यहाँ से काट देते हैं, एक पोर्शन इधर, एक पोर्शन इधर, और यहाँ पे मेटल की कैप लगा देते हैं। सो डिस्ट्रक्शन इज़ ऑलवेज इजियर देन प्रिजर्वेशन। और जेनिकुलर आर्टरी एम्बुलेशन के अंदर हमारा जो एम रहता है कि आपका नी जॉइंट का पेन ख़त्म हो जाए, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से है, और आपका नी जॉइंट आप लंबे समय तक कंटिन्यू कर सकें। और इसलिए ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस ऐसा है कि ये जेनिकुलर आर्टरी एम्बुलेशन इज़ मोर डिफिकल्ट देन नी रिप्लेसमेंट सर्जरी।
Thank you so much. And if you have any kind of query, just call us. We would be very happy to answer all your questions.